क्लास में घुसो नहीं, ये सब लड़ते रहते, जब देखो तब लड़ना, लड़ने के अलावा कोई काम नहीं। अरे भोदू को देखो, लड़ रहा था अभी, चल हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा, सीधे खड़ा दरवाजे के पास, हिलना नहीं। गुरुजी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो पहले उसने मुझको मारा तब मैंने उसको मारा, और आप हमेशा मुझको ही सजा देते हैं, हमसे जलते हैं, इसलिए हमको खड़ा कर लिए, और किसी को नहीं खड़ा कर सकते हैं। चुप रह, खड़ा हो सीधे, हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। मैं आज जो पढ़ाया गया था पहले पार्ट, भारत का प्राकृतिक भूगोल, उसके बारे में तुम समझ से पूछूंगा, और नहीं बता पाए तो सारे लड़ाई झगड़ा को यहीं पे समाप्त कर दूंगा। आज मैं सीमावर्ती देशों के बारे में तुमसे पूछूंगा, ऐसे देशों के नाम बताना है जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, बताना है। सबसे पहला प्रश्न मैं गुलाबों से पूछ रहा हूँ, बताओ गुलाबों कि भारत के पूर्वी दिशा में किस देश की सीमा लगती है। गुरुजी भारत के पूर्व दिशा में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा लगती है। बहुत अच्छा, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान में और किन-किन देशों की सीमाएं लगती हैं। बहुत खूब बहुत खूब, एक बार सब लोग ताली बजाएंगे। अगला प्रश्न कुकुनु बताएगा कि उत्तर पश्चिम में भारत की किन देशों से सीमाएं लगती हैं। उत्तर पश्चिम में भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं से साझा करता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इससे पता चलता है कि तुम सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की थी। अब आखिरी प्रश्न का उत्तर ये संतोषी बताएगी। चलो संतोषी बताओ कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। गुरुजी श्रीलंका देश से अलग करते हैं। अच्छा भोंदू बताओ कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। गुरुजी पाकिस्तान के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है, हमेशा युद्ध देखो तो पाकिस्तान से होता है ना, इसलिए पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। तुम तो बहुत झगड़ालू, हमेशा झगड़ा की बात करते रहते हो। अरे मैंने पूछा किस देश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है, तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान के साथ भारत हमेशा लड़ता रहता है। ये हमने तुमसे कहाँ पूछा कि पाकिस्तान के साथ भारत लड़ता है या पाकिस्तान भारत के साथ लड़ता है। मैं तो सीमा पूछ रहा हूँ, सीमा बताओ कि किस देश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है। नहीं मालूम तो सही जवाब दो, इसका मतलब तुमको कुछ नहीं मालूम। चलो मैं ही बता दिए देता हूँ, भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश देश के साथ लगती है। इस तरह से हमको अपने सीमावर्ती देशों के नाम याद हो गए हैं। आज की पढ़ाई बस इतनी ही है, जाओ बंधु हाथ नीचे कर लो और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, समझे। ठीक है बच्चों, आगे की पढ़ाई कल होगी और सभी लोग अपना पाठ याद करके आएंगे, और जो भी कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे घर पे जाके एक बार दोहराना चाहिए और याद करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।